हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे फैक्ट्री में। दोस्तों मैं सोनू और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर प्रोटच की तरफ से 1500 वोट का एम्पलीफायर, जो कि होने वाला है बहुत ही हैवी एम्पलीफायर। यहाँ पर आपको कई ब्रांड्स के अंदर एम्पलीफायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के एम्पलीफायर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये आज का ये एम्पलीफायर होने वाला है, ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। स्पेशल क्योंकि जो इसका सर्किट बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा सर्किट है दोस्तों, और ये जो कंपनी है ये काफ़ी सालों से इस लाइन के अंदर एम्पलीफायर्स को बना रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के एम्पलीफायर कंपनी बनाती रहती है। तो उन्हीं में से एक एम्पलीफायर मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बिना देर करे करते वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं और चलते हैं कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको नए नए ब्रांड्स, नए नए प्रोडक्ट्स और टेस्टिंग रिव्यूज़ एंड डीजे सेटअप्स की वीडियो मिक्स में मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सील हम लोग खोल चुके हैं। अगेन यहाँ पर पैकिंग खोली जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है एक फॉर्म, उसको हम रख लेते हैं साइड में। ओ वाओ, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको एक टी शर्ट दी जा रही है इस एम्पलीफायर की तरफ से, जो कि कंपनी ने गिफ्ट में दी है आप सभी को। यहाँ पर प्रोटच की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन येलो कलर की टी शर्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर है और टी शर्ट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार मैं इसको खोल के दिखाना चाहूँगा आप सभी को। तो दोस्तों टी शर्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, और गर्मियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। एक्सेल साइज यहाँ पर निकला है, अब जिस भाई की है वो पहन लेंगे। तो इसको रख देते साइड में। अगेन फाइनली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है एक कैटलॉग। तो इसकी तो कैटलॉग के अंदर आपको सारे मॉडल्स कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। कैटलॉग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मॉडल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है प्रोटेच की ब्रांडिंग, उसी के साथ साथ यहाँ पर मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है MX1500 प्रोफेशनल एम्पलीफायर यहाँ का आज का रहने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की शॉर्ट फॉर्म में PT का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पूरे तरीके से CNC वर्क यहाँ पर किया गया है। ये दो काम कर रहा है, एक तो लोगो बनाया हुआ है यहाँ पर और उसी के साथ साथ यहाँ पर वेंटिलेशन का काम दिया हुआ है, क्योंकि जो एयर वेंटिलेशन होगा ना दोस्तों एम्पलीफायर का, जो 4 इंच का यहाँ पर पंखा दिया हुआ है उसका जो फ्लो है वो यहाँ से निकल के आने वाला है दोस्तों। उसी के साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम, अरे वाह, वॉल्यूम जो है पूरी कट ऑफ दिए हुए हैं। वॉल्यूम के मेन मोस्टर मास्टर के अंदर आपको कट ऑफ मिलता है, हर वॉल्यूम पे कट दिया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पावर, टेम्परेचर और ओवरलोड के इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए। अगेन यहाँ पर बात की जाए फॉल्ट और एम्पलीफायर ऑन के लिए यहाँ पर एक अलग से इंडिकेटर शो किए गए हैं। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, जब भी आप एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो पूरे सर्किट को चेक करने के बाद ये आपका, अगर एम्पलीफायर में फॉल्ट होगा तो फॉल्ट जला देगा, नहीं तो ये आपका एम्पलीफायर को ऑन करेगा। अगर फॉल्ट होगा एम्पलीफायर में तो फॉल्ट पे रुक जाएगा, एम्पलीफायर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक, अगर एम्पलीफायर ठीक है तो पूरा सर्किट को चेक करने के बाद ये एम्पलीफायर को ऑन कर देगा यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है स्पीकर के लिए स्विच और ड्राइवर यूनिट्स के लिए स्विच। हाई, मिड और लो 3 वॉल्यूम्स यहाँ पर दिए गए हैं। 3 बैंड के अंदर इसका मैनुअल रहता है। अगेन चलते हैं इसकी बैक साइड पर और मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाना चाहूँगा इसको बैक साइड से। तो दोस्तों अब आ गए हम लोग बैक साइड पर। तो बैक साइड में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 इनपुट्स देखने के लिए मिलती हैं, इनकी बात करूँगा मैं बाद में। सबसे पहले यहाँ पर हाईकूल कंपनी का AC फ़ैन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 4 इंच के अंदर इसका ये फ़ैन दिया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इनपुट्स देखने के लिए मिलती है। P38 की इनपुट्स है, ये आपका इक्वलाइज़र ऑन हो गया। अगेन अगर आप
एम्पलीफायर की जो लो मिड और हाई की जो फ्रिक्वेंसी आगे दी हुई है, वॉल्यूम्स नॉब्स बोल देते हैं वो दी हुई है, अगर उनको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट मिक्सर से भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आउट आ गया है, इक्वलाइज़र आउट हो गया है, अब इक्वलाइज़र ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका एम्पलीफायर का आउटपुट जो है अब आपका मिक्सर से चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेन का काम रहेगा। अगर इसको आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो एम्पलीफायर से चला सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको आउटपुट्स के लिए दो सॉकेट्स दिए गए हैं, 2 ओम्स एंड 4 ओम्स के लिए अलग अलग सॉकेट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बनाना सॉकेट्स का भी यूज़ करने के लिए पूरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे बनाना सॉकेट्स, कॉमन 2 ओम्स एंड 4 ओम्स के लिए भी यहाँ पर सॉकेट्स दे दिए गए हैं। देन वहीं बात की जाए यहाँ पर ये रेड कलर की जो स्ट्रिप लगी हुई दोस्तों, ये है आपकी LMT के लिए लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर, जिन एम्पलीफायर जिन स्पीकर्स में या यून ड्राइवर यूनिट्स में लगे होते हैं, ये LMT का जो फंक्शन होता है, ये जो स्ट्रिप होती है यहाँ से आप लोग कनेक्शन उसको दे सकते हैं। कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट के कनेक्शन वहाँ पर मेंशन किए होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक 6 एम्पीयर का प्रीसेट स्विच दिया गया है। अगेन यहाँ पर अर्थिंग को भी विशेष ध्यान में रखा गया है, यहाँ पर अर्थिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर एक फ्यूज़ दे दिया गया है जिससे कि आपका एम्पलीफायर कभी शॉर्ट सर्किट हो भी जाए तो फ्यूज़ उड़ के ज़्यादा प्रॉब्लम एम्पलीफायर में ना आए। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक बार एम्पलीफायर की पावर केबल, जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी केबल, 6 एम्पियर 240 वोल्ट के अंदर ये यहाँ पर प्लग दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी केबल यहाँ पर कंपनी ने एम्पलीफायर के हिसाब से प्रोवाइड की हुई है। तो दोस्तों ये थी इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स। अब चलते हैं इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग पर, अंदर से इंटरनली डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। मैं जल्दी से करने वाला हूँ इसके कवर को ऊपर से अलग, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स कैसे कैसे लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे मेन बात ये, तो भाई ये सर्किट देखो आप, ये नया सर्किट आया हुआ है, काफ़ी कुछ खास है इस सर्किट के अंदर। आप लोगों को गैस करके बताना कि इस सर्किट में नया क्या है, कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसका सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सर्किट इस एम्पलीफायर। तो दोस्तों आई होप आपको इस एम्पलीफायर का सर्किट काफी ज्यादा समझ आया होगा। इस एम्पलीफायर के अंदर आपको प्रोटेक्शन प्रूफ सर्किट प्रूफ, जो बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट प्रूफ सर्किट है इसका, जो है कहने का मतलब कि वोल्टेज अप डाउन होती है या कभी तार भिड़ जाती है तो सर्किट जो है यहाँ से आपका फॉल्ट पर आ जाएगा एम्पलीफायर पूरे तरीके से। तो आपका सर्किट सेव होने वाला है। एम्पलीफायर के अंदर फ्यूज़ का सिस्टम सभी एम्पलीफायर में आता है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ये नई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कंपनी ने दोनों आउटपुट्स दे रखी हैं। एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी लगा हुआ है दोस्तों, प्योर कॉपर के अंदर यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया गया है। और कंपनी के ट्रांसफार्मर की वायर की बात की जाए तो वायर भी काफ़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की लगाई गई है। इसके अंदर डबल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक ट्रांसफार्मर LMT के लिए है और एक मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया गया है। 15,000 UF के कंडेंसर यहाँ पर दिए गए थे, 4 कंडेंसर यहाँ पर हमें देखने के
कंडेंसर बोल सकते हैं या कैपेसिटर बोल सकते हैं, लैंग्वेज एक ही है, नाम अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर कैपेसिटर चार दिए हुए हैं दोस्तों, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पूरा सर्किट देखने के लिए मिला, जैसे कि मैं इस टॉपिक पर पहले बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी अनबॉक्सिंग और एम्पलीफायर का एक ओवरलुक, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलते हैं, जान लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर वोल्टेज की, तो जैसे कि मॉडल नंबर रहने वाला MX1500, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कंपनी ने MX1500, तो ये 1500 वोल्ट का एम्पलीफायर होने वाला दोस्तों। अगेन बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का रहने वाला 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक। इस एम्पलीफायर के अंदर आपको चार टोन कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, बेस, मिड, हाई। अगेन यहाँ पर बात की जाए मेन वॉल्यूम की, तो मास्टर वॉल्यूम हो जाती है। बात आती है SN रेशो की, तो 75 dB SN रेशो रहने वाला दोस्तों। तो बात की जाए यहाँ पर आउटपुट्स की, तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पीछे मैंने बैक साइड पर दिखाया था 2 ohms और 4 ohms कंपनी ने बैक साइड पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से आप 2 ohms, यहाँ से आप 4 ohms कनेक्ट करके चला सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बनाना सॉकेट्स भी दिए गए हैं, और डायरेक्ट आपको अगर LMT लाइन चलानी है, आपकी ड्राइवर यूनिट हो गई, LMT वाले स्पीकर्स हो गए, जिन बॉक्स के अंदर LMT यूज़ में लिया गया है ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए यहाँ पर रेड लाइन दी गई है, डायरेक्ट स्पीकर्स में मत लगाना, नहीं तो आपके स्पीकर जल सकते हैं। बात की जाए इसकी कूलिंग की, तो 4 इंच का एक AC फैन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पूरे तरीके से आपके सर्किट को ठंडा रखने वाला है। एम्पलीफायर का पूरा सर्किट यहाँ पर कूलिंग में रहने वाला है। एम्पलीफायर का जो सर्किट है ये बिल्कुल सेंटर में दोस्तों दिया हुआ है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर दिए हुए हैं। एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में दिए गए हैं, 4 इंची का फैन इसीलिए दिया हुआ दोस्तों कि यहाँ से फी सीधा बाहर आपका ओवरफ्लो हो जाए, फ्लो यहाँ सर होकर निकल जाए बाहर। तो दोस्तों आप करता हूँ बात इसकी एम्पलीफायर की, कि आप इसको कितनी वोल्टेज देंगे। तो दोस्तों 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इंडिया के बेस पर, तो वो 200 से 250 वोल्टेज ही उनको चाहिए होती है। उसके बीच की होगी चल जाएगी, लेकिन 200 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 250 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 50 एम्पेयर के अंदर कोई भी हमारा डीजे वाला भाई है तो 50 एम्पेयर लेकर चले। ट्रांजिस्टर्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो ट्रांजिस्टर रहने वाले दोस्तों 20 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज में लिए गए हैं। एम्पलीफायर का सर्किट जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्किट है, आराम से रिपेयर होने वाला है। एक एक पार्ट्स आपको आराम से आपके एरिए के अंदर आपके लोकल रिपेयरिंग करने वालों के पास या अदर इधर उधर आपको आराम से मिलने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे सर्किट का यूज़ नहीं किया गया है जो आपको बाद में परेशान करे। तो यहाँ पर एक एक चीज़ पर बखूबी काम किया गया है, और काम और बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी का तो कहना ही क्या है भाई, कंपनी का तो काम ही अलग है भाई, बिल्कुल लेवल हटके काम कर रखा है कंपनी ने यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा सर्किट लगा मेरे को। और भाई बजट, और बजट की बात की जाए तो बजट तो है ही बेस्ट। अगेन आप चलते हैं जल्दी से टेस्टिंग की तरफ, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी। अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, डालते हैं इसके ऊपर लोड, और लोड क्या डालने वाले दोस्तों, लोड में डालने वाला ऑडियो एक्स का 500 वाट के 4 स्पीकर इसके ऊपर मैं रन कराने वाला हूँ, यानी कि 2000 वाट का पेयर हो गया। HF की वोल्टेज हम नहीं जोड़ने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2000 वोल्ट का प्रॉपर लोड डाल के हम इस पर चेक कराने वाले हैं। कंपनी का दावा है 2800 वोल्ट तक आप इस पर आराम से लोड डाल के चला सकते हो, 1 साल की वारंटी के अंदर ये एम्पलीफायर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। जल्दी से चलते हैं, आप कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग।
आई होप आपको टेस्टिंग पसंद आई होगी, आप लोगों ने काफी मजा लिया होगा। दोस्तों यहां पर जब आपने टेस्टिंग सुनी तो यहां पर आपको एक चीज मेन आपको देखने के लिए मिली होगी, जब मैंने आपको इसको डायरेक्ट चला के सुनाया था तो यहां पर आपने एक चीज गौर करी होगी कि बेस मिड और हाई बिल्कुल एक्चुअल काम कर रही है, और जो प्रेशर है बेस का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हैवी थंप के साथ प्रेशर निकल के आ रहा है यहाँ पर। और मास्टर वॉल्यूम का तो कहना ही क्या है कि गरारी के अंदर जो है वॉल्यूम दी हुई है इसी के अंदर, और जरा सा भी हिट नहीं हुआ। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको प्ले किया, बहुत दबा के प्ले किया, एक्स्ट्रा बेस खोल के भी देखा। तो दोस्तों ये थी इस एम्पलीफायर की कुछ डिटेल्स, आई होप आपको डिटेल्स और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको खरीद कैसे सकते हैं, अगर आपके नियर बाय डीलर आपके एरिया के अंदर प्रोटच का डीलर है तो आप प्रोटच के डीलर से संपर्क कर सकते हैं। अगेन आपके आसपास में कोई डीलर नहीं है प्रोटच का तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से जाकर इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। मिलता हूँ इसी तरीके की किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।